हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी पर जैसे किसी की बर्थडे होती है, ऐसे ही हमारे कान्हा जी की बर्थडे होती है। तो बर्थडे पर जब हम अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लाते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने कान्हा जी के लिए गिफ्ट लानी चाहिए। और कान्हा जी के प्रिय 5 गिफ्ट कौन से हैं, उसके अलावा मैं और भी बताऊंगी और आप क्या क्या दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको 5 गिफ्ट बताती हूँ जो हमें अपने कान्हा जी के लानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए गौ माता, मैं ये गौ माता लेके आई हूँ अपने कान्हा जी के लिए। कहती हैं कि जब हम घर में नहीं होते हैं तो स्वयं गौ माता हमारे कान्हा जी की सेवा करती हैं, और गौ माता कान्हा जी की विशेष प्रिय हैं। तो हम गौ माता कान्हा जी को गिफ्ट में दे सकते हैं। तो देखिए, पहला गिफ्ट है ये गौ माता, आप गौ माता दे सकते हैं। तो दूसरा, आपको पता है कि दूसरा गिफ्ट कान्हा जी को क्या पसंद है, देखिए बांसुरी, जो वो कभी नहीं छोड़ते थे। तो हम बांसुरी, जो उनके सबसे 5 प्रिय हैं उसमें मैं आपको बता रही हूँ, तो आप बांसुरी भी उन्हें दूसरा गिफ्ट दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी में गिफ्ट देने के लिए ये बांसुरी और देखिए ये गौ माता ली हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि तीसरा गिफ्ट देखिए कि जब कोई घर में बच्चा होता है तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो हम जन्माष्टमी पर कान्हा जी को उनके लिए एक अच्छी सी पोशाक ला के दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से कोई भी कपड़े और भी ला के दे सकते हैं। यहाँ मैंने ये धोती कुर्ता और ये पोशाक, देखिए इस तरीके से आप और हैवी में ले सकते हैं, क्योंकि बर्थडे है तो आप अच्छे से खूब कान्हा जी के प्रिय प्रिय चीज़ें उनको दें। तो यहाँ हम तीसरा गिफ्ट ये पोशाक दे सकते हैं, देखिए ये पोशाक। और अब मैं आपको बताऊँगी कि चौथा गिफ्ट, जब घर में कोई बच्चा होता है तो उसके लिए हम खिलौना लाते हैं, तो हम खिलौने में देखिए, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं यहाँ पे देखिए ये पैरट लेके आई हूँ, और भी खिलौने लेके आई हूँ, लेकिन आप पैरट की जगह पैरट ले सकते हैं, मोर ले सकते हैं, और इसमें बहुत से और भी आते हैं, तो आप वो टॉय ले सकते हैं। तो चांदी के भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिए हैं, तो यहाँ पे हमने ये टॉय ले लिए, इसमें और भी आते हैं, तो बच्चे के लिए हम टॉय लेते हैं। इस तरीके से अपने कान्हा जी के लिए भी ले सकते हैं। जब घर में कोई बच्चा होता है तो उसे झूला झुलाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कान्हा जी का जब जन्म कराते हैं तो सब उनको झुलाने के लिए झूला में बैठाते हैं, तो आप ध्यान से झूला ले लें। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कान्हा जी को देने के लिए झूला लाई हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक झूला लेके आई हूँ। तो देखिए ये तो 5 गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो 5 गिफ्ट हैं जो कान्हा जी के विशेष प्रिय हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप और क्या क्या दे सकते हैं। देखिए इसके अलावा आप कान्हा जी को, देखिए उनके जैसे कोई बच्चा होता है तो उसके नए बर्तन आते हैं, तो आप उनके लिए भोग लगाने के लिए नए बर्तन ला सकती हैं, पीतल के ला सकती हैं, चांदी के ला सकते हैं, स्टील के, आपको जैसा आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप ला सकते हैं। तो आप बर्थडे में बर्तन भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कान्हा जी के लिए पगड़ी ला सकते हैं, तरह तरह की देखिए पगड़ी ला सकते हैं। आप कान्हा जी को गिफ्ट में जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इत्र दे सकते हैं कान्हा जी को इत्र लगाने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 5 गिफ्ट के बाद अगर आप 6 गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें लें तुलसी माला। तुलसी माला कान्हा जी को, तुलसा जी विशेष प्रिय हैं, तो हम कान्हा जी को पहनाने के लिए तुलसी माला भी दे सकते हैं। और हम अपने कान्हा जी के लिए गले का हार ला सकते हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने कान्हा जी को गिफ्ट में जन्माष्टमी को दे सकते हैं। तो मैंने आपको विशेष जो 5, 6, 7, 7, 5, 7 गिफ्ट करना चाहते हैं वो आप कान्हा जी के लिए ये 7 गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।